साहब गांव से भगाना चाहते हैं दबंग, पिता को दे रहे हैं हाथ पैर तोड़ने की धमकी। बेटी बोली थाने में शिकायत करने पर नहीं हुई कोई सुनवाई। पीड़ित परिवार ने एसपी ऑफिस में दर्ज कराई शिकायत की दबंग के खिलाफ कार्यवाही की मांग। खबर शिवपुरी जिले के एसपी ऑफिस से है, जहां मंगलवार को एक परिवार ने दबंगों के आतंक से परेशान होकर पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाई है। जानकारी के मुताबिक कोलारस विधानसभा क्षेत्र के तेंदुआ थाना क्षेत्र के देहरोद गाँव की निवासी साक्षी रावत ने बताया कि गाँव के ही नरेंद्र, हरगोविंद, नरेश, उमेद, भूरा और शिवम उसके पिता भागीरथ रावत और उसके परिवार को गांव से भगाना चाहते हैं। गांव छोड़कर नहीं जाने पर युक्त लोगों द्वारा उसके पिता को हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी जा रही है। बीती रात ही सभी लोग लाठी डंडे लेकर उसके घर पहुंचकर उसके पिता से अश्लील गाली गलौज कर गांव छोड़कर चले जाने की धमकी दी। वहीं घटना की रिपोर्ट उन्होंने तेंदुआ थाने में दर्ज कराई, लेकिन पुलिस द्वारा इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर युक्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की गुहार पुलिस अधीक्षक से लगाई है। क्या नाम है तुम्हारा? साक्षी रावत। आज आपने परिवार के साथ में जहाँ भी एसपी ऑफिस आए, किस लिए आए हो? सर वो लोग है ना हमारे गांव के, हमारे पापा को लट लेकर मारने आते हैं और ये बोलते हैं कि उनके हाथ पैर तोड़ेंगे और हमको यही बोलते हैं अगर गांव को छोड़कर नहीं गए ना तो तुमको मार भी डालेंगे। ये कितने लोग हैं? सर 6 हैं। तो पहले से कोई विवाद है क्या आप लोगों का? नहीं कुछ भी नहीं है, वो मतलब वो तो हमसे बहुत दूर रहते हैं ना, तो भी हमारे द्वार के आगे आकर भीड़ फोड़ते हैं और हमसे गालियाँ भी देते हैं। तो आपको भी गाली वगैरह दी थी? हाँ। तो इसकी शिकायत आपने संबंधित थाने में की थी क्या? हाँ की थी। क्या कह रहे हैं वो लोग? पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कौन सा थाना लगता है आपने? तेंदुआ थाना। तेंदुआ थाने पर उन्होंने कुछ नहीं कहा? नहीं उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अब आप क्या चाहती हैं? सर मतलब हमारे पापा कुछ भी हो गया ना सीधे उनका ही नाम है।